अस्सलाम वालेकुम। अभी अपनी जो डेली रूटीन है उसके मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं जंगल में, नेशनल पार्क मरगला हिल नेशनल पार्क में। तो अभी लेपर्ड का पग मार के एक फ्रेश मुझे नज़र आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, जो कि एक बड़ी मुनफरद बात है हमारे लिए अगर हम उस तरह सोचें तो। तो ये लेपर्ड का पग मार्ग देखें आप अभी, और ये सुबह शायद हमारे से 2 घंटे पहले ये यहाँ से गया है और फ्रेश है ये। बचपन में मैं ख़ुद देखता होता था नेशनल जियोग्राफी और एनिमल प्लैनेट जैसे जो चैनल हैं, और जब वहाँ पे वो दिखाते थे कि कैसे जो आबादी के पास जो शेर होते हैं, टाइगर होते हैं, या चीते या लेपर्ड, जो भी बिग कैट्स रहती हैं, तो उन लोगों का कैसा रवैया होता, तो मैं ख़ुद एक सोचता होता था कि कैसी लाइफ है उनकी, कैसे मज़े की लाइफ है, कि ऐसी जो वाइल्ड लाइफ है वो लोगों को देखने को मिलती है। तो अल्लाह ने फिर मुझे भी मौका दिया इधर जंगल में काम करने का, और मैं इधर आया हूँ। तो अभी वही सारा सीन मेरे साथ भी हो रहा है कि हम भी लेपर्ड्स के साथ साथ रह रहे हैं। हमारी रहाइश भी जंगल के पास है, उधर भी लेपर्ड्स की आवाज़ें हम सुनते रहते हैं, और जंगल में भी जब ड्यूटी करते हैं तो आसपास भी कई दफ़ा आवाज़ें सुनी हैं, और ये जो पंजों के निशान और या उसकी मार्किंग, उसके स्क्रैचेस, तो ये सब वही चीज़ें हैं जो कि बचपन में हम देखते थे और वही हो रही हैं। तो क्या आप भी इसको इस तरह फील करते हैं कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आप कितना साथ करीब इस तरह की वाइल्ड लाइफ रह रही है, बिल्कुल जंगल के जंगल है, आप इस्लामाबाद से वॉक करते हुए आप जंगल में लेपर्ड के एरिया में चले जाते हैं, तो इसको इस तरह फील करके देखें कि आपके साथ साथ लेपर्ड्स भी रह रहे हैं। तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी फीलिंग क्या है, इसका क्या मज़ा है, ये क्या रोमांस है। मेरा तो एक रोमांस है इन चीज़ों के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ और स्पेशली लेपर्ड के साथ। तो जंगल में भी जाते हैं तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करते हैं, हमारे साथ रह रही हैं, ये हमें फ़ील होता है कि ये हमारे साथ रह रही हैं, और शायद एक ऐसा हमारा इसके साथ रिलेशन भी है, एक सीक्रेट रिलेशन, वो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने हमें तंग करने की कोशिश की हो, हमने भी उसे तंग करने की कोशिश नहीं की कभी, और उसे स्पेस दी है हमेशा, और उसकी हिफाजत कर रहे हैं इधर, और वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना उसका उसकी जहानत है कि शायद वो समझता हो कि हाँ हम उसकी हिफाजत के लिए हैं, हम उसके गार्ड हैं, तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। और जंगल में मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें भी प्रोटेक्ट करता है, जब हम जंगल में होते हैं तो आसपास वो हमारी निगरानी भी करता है कि इन्हें भी कोई तंग ना कर सके। तो इस तरह का हमारा रिलेशन है, इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग है जो हमें फ़ील होती है कि जो एग्जिस्ट करती है। तो आप भी इन चीज़ों को फ़ील करें कि ये इस्लामाबाद है और आप इधर साथ जंगल भी है और ऐसे जानवर, जंगली जानवर हैं, तो इन चीज़ों को महसूस करें तो आपका भी इनके साथ एक रोमांस बनेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा।